गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑल द फोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन बचा हुआ है जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। दैट इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, जो बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया हुआ है इसके बारे में, और जितना बताया हुआ है बुक में उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ठीक है, ओके एक मिनट, हाँ जरा देखिए इसके बारे में, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वैन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अब देखिए पहले से उसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस बारे में क्या बोला कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो नाम से समझ में आ रहा है। फाइब्रस मीन्स फाइबर लाइक। फाइब्रस को अगर समझना है तो याद रखिए कि फाइब्रस जो होता है ना, ये फाइबर के जैसा होता है, धागे के जैसा होता है। धागा कैसा होता है? लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप अगर फाइब्रस प्रोटीन को अगर याद करना चाहते हैं बच्चों, तो आप याद कीजिए कि एनिमल्स की बॉडी में जो फर होता है और ह्यूमन के बॉडी में जो हेयर होते हैं, सर के ऊपर जो बाल होते हैं, और जो ये होते हैं पक्षी, उनके जो फीदर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। एंड दैट केराटिन प्रोटीन इज़ नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस मतलब फाइबर मतलब धागा। तो धागे की जैसा लंबा होगा, पतला होगा और ऐसा लाइन बाय लाइन पैरेलल अरेंज रहेगा। ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन के बारे में है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन हेयर जो है, हमारे शरीर का जो बाल है, वो कितने भी साल पानी में रह जाए, वो पानी में कभी घुलता नहीं है। बाल जो है पानी में कभी नहीं घुलता, वैसे ही क्योंकि उसके अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी बिहाइंड दैट कि वो क्यों पानी में नहीं घुलता है। तो इसलिए याद रखेंगे फाइब्रस प्रोटीन पानी में नहीं घुलता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? हमने सीखा कि फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग होता है, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया आपको, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा होगा, पढ़ लेते हैं उसको। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वुल, सिल्क, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल राउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे फाइबर नाम से समझ में आ रहा था, फाइब्रस नाम से समझ में आ रहा था फाइबर लाइक, धागे की जैसा, तो ग्लोबुलर नाम से समझ में आ रहा है ग्लोब की जैसा। ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है ना, तो वैसे ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो ओवल शेप या राउंडेड शेप का होता है। समझ में आया? एंड और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? और लिखा हुआ है दिस इट रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड सेल कॉइल अराउंड टू गिव द स्फेरिकल शेप। ऐसा स्फेरिकल शेप में होता है। दिस आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए अगर ग्लोबुलर प्रोटीन को याद करना है तो हीमोग्लोबिन को याद करो। वर्ड्स का मैचिंग करना सीखो आप। ग्लोबुलर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हमारे ब्लड का 80% हिस्सा किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में डिजॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, दिस आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन एंड दिस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। और डिफरेंस दो मार्क का पूछा जाता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो आई होप सो 3-4 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे बनाकर। ठीक है गाइस, इस वीडियो में अब इतना ही। इस वीडियो को मैंने बनाया था इसी टॉपिक को कम्प्लीट करने के लिए। बाकी जो टॉपिक हैं इसमें वो तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ये भी पूरा हो गया है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी हो गया है। ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्या बताया गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सेकेंडरी कैसा दिखता है। याद कीजिए ये अल्फा हेलिक्स है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ओके,
अच्छा एक टॉपिक और है जो इसमें मैं पूरा कर देता हूँ तो इसके बाद प्रोटीन का पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब होता है बच्चों कि देखिए जैसे अगर आप लोगों ने कभी अंडा देखा होगा, अंडे को आपने फोड़े होंगे, तोड़े होंगे, तो उसमें एक लिक्विड रहता है, ठीक है। वो लिक्विड मान लो कि अगर अंडा फोड़ा नहीं हुआ है और अगर हमने उसको पानी में उबाल दिया तो उबालने के बाद वो लिक्विड जम जाएगा तो एक सॉलिड बन जाएगा। अब क्या आप लोग उस सॉलिड को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटीन का जो नेचर है वो डीनेचर हो गया है, टूट गया है, बदल गया है। दूसरा एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए कि दही है, दही में फर्मेंटेशन किया उसका दूध है, दूध का फर्मेंटेशन किया उसका दही बन गया। तो एक बार जब दूध से दही बन जाएगा तो क्या आप वापस दही को दूध में कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब है कि एक प्रोटीन को दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना, और इस तरीके से कन्वर्ट करना कि दोबारा उसका रीनेचुरेशन नहीं हो पाता, हम दोबारा उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन कहने का मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो नेचर में प्रेजेंट है, जो ओरिजिनली जो नेचर में प्रोटीन जिस फॉर्म में है हम उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है। व्हेन द प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इट्स सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक पीएच। मतलब कि अगर कोई भी प्रोटीन ओरिजिनल फॉर्म में है और अगर हम लोगों ने उसका अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया या उसका पीएच चेंज कर दिया, समझ में आया, या उसका कुछ भी ऐसा कुछ चेंज किया तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्डेड, कौन से ग्लोब्यूल की बात कर रहा है वो देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ग्लोब्यूल कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं ये वाले, इसमें भी ग्लोब्यूल्स हैं, इसमें भी ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल जो हैं ये इस तरीके से कॉइलिंग जो होती है वो अनकॉइल हो जाता है, टूट जाता है। जब ये कॉइल यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, जब हर तरफ से कॉइल टूट जाएगा तो फिर वो टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो अनकॉइल होने के बाद उसका प्रोटीन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब क्या हम उस अनकॉइल वाले को दोबारा कॉइलिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रोटीन एक बार जो बदल जाता है वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए लिखा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। हमने पहले ही कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटता, केवल टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब होता है, वो टूट जाता है, अनकॉइल हो जाता है, ठीक है। एंड द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। यानी कि जो अंडा होता है अगर हम लोगों ने कच्चा अंडा है उसके अंदर लिक्विड रहेगा, उसको उबाल देंगे तो उसके जो प्रोटीन है वो अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल कर्टिंग ऑफ मिल्क, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक बार दूध से दही बन जाए तो वापस दही से दूध नहीं बन पाता। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ओके आप लोग पढ़ लेना इसको, समझ में आ जाएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया है, एक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।